इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के कुछ और आएगे एमसीक्यूज। इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे, उम्मीद का तो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के नाम से, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर वन है, द नेचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, जो फिजिकल एजुकेशन उसका नेचर कैसा होता है, मेंटल, फिजिकल, सोशल या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव सिंपल सा आंसर है। हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस की थी ये सब चीज़ें कि ये मेंटल, फिजिकल, सोशल तीनों ही चीज़ों से बिल्कुल इंटर रिलेटेड रहता है, तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अगर आपने पहले वाला पार्ट देखा था तो। राइट, तो फिजिकल एजुकेशन का जो नेचर है वो मेंटली भी है, फिजिकली भी और सोशली भी है ना, तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंक्लूडेड इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्फ डिफेंस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो ये दोनों ही एक्टिविटीज़ जो हमारे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड होती हैं, शामिल होती हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है, द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया गोज टू, इंडिया के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ है उसका क्रेडिट, उसका श्रेय किसको जाता है, श्री हनुमान व्यायाम ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कलकत्ता या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ये एक एसोसिएशन है जिसने फिजिकल एजुकेशन को इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप किया और इन्हीं को वो श्रेय उस चीज़ का जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्रीज द सोल्जर्स वर गिवन द टास्क ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो किस कंट्री में जो सोल्जर्स थे उनको फिजिकल एजुकेशन का टास्क दिया जाता था, उनको ये काम दिया जाता था कि वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें करें। ठीक है, वो टास्क हो सकती हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकते हैं, तो वो कौन सी कंट्री थी, रशिया, जापान, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंग्लैंड। ठीक है, तो जो इंग्लैंड है उसके सोल्जर्स को फिजिकल एजुकेशन के टास्क दिए जाते थे। राइट, तो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन विच कंट्री मैक्सिमम एम्फेसिस हैज बीन गिवन ऑन फिजिकल एजुकेशन, कौन सी कंट्री में मैक्सिमम इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, एम्फेसिस कह सकते हैं या ज़्यादा जोर दिया जाता है फिजिकल एजुकेशन पर, इंडिया, अमेरिका, ग्रीस या फिर जापान। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रीस। ठीक है, तो ग्रीस जो कंट्री है उसमें मैक्सिमम एम्फेसिस, मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दी जाती है फिजिकल एजुकेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलॉसफी, कौन सी फील्ड फिजिकल एजुकेशन में इन्फ्लुएंस होती है फिलॉसफी से, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के वो थियोरेटिकल होते हैं, हमें उनको समझना होता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिलॉसफी यूज होती है। राइट, तो फिजिकल एजुकेशन की यही जो फील्ड है प्रिंसिपल्स फिजिकल एजुकेशन के, वहाँ पर फिलॉसफी का यूज होता है। ठीक है, या फिर फिलॉसफी से वो इन्फ्लुएंस होती है। राइट, अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फिजिकल एजुकेशन क्लास इज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है फिजिकल एजुकेशन क्लास में, क्लास, लोकेशन, मैदान या फिर रूफ। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैदान। ठीक है, मैदान ये वही है जहाँ पर कोई भी स्पोर्ट हम खेलेंगे, जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी फिजिकल एजुकेशन की हम करेंगे, क्योंकि बैठे बैठे फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है ना, तो वो हम प्रॉपर मैदान में जाएंगे। मैदान एक प्रॉपर जगह हो गई, जैसे हम कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं तो वो बोर्ड हो सकता है पर्टिकुलर, ठीक है, तो उसमें हम वो गेम खेलते हैं, या कोई भी स्पोर्ट हो गया तो वो हम कहाँ खेलेंगे, फील्ड में। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन की क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो हम बोलेंगे मैदान। राइट, अगला क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन फिजिकल एजुकेशन, कौन सा स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन में इंक्लूडेड होता है, इंडिविजुअल, ग्रुप, रिदमिक या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब वो स्पोर्ट्स हमारे इंडिविजुअल यानी कि अकेले के इंसान के भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में भी वो स्पोर्ट हो सकता है, कोई टीम है। राइट, रिदमिक में हमारे जिमनास्टिक्स वगैरह आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे स्पोर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। राइट, आगे है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ द होल एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू द एक्टिविटीज रिलेटेड टू लार्ज मसल्स एंड देयर प्रोसेसेस इज द स्टेटमेंट बाय। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है, पूछा गया किसने ये स्टेटमेंट दी है, जे पी थॉमस, जे बी नैश, टे पी नून या फिर एरिस्टोटल। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, जे बी नैश भाई साहब ने ये डेफिनेशन या फिर कह सकते हैं ये स्टेटमेंट दी है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। राइट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, कौन से पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है एजुकेशन का और फिजिकल एजुकेशन को, वर्ल्ड वॉर पीरियड, एथेंस पीरियड, थियोडियम पीरियड या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एथेंस पीरियड। तो एथेंस पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का। राइट, एथेंस पीरियड आपको हो सकता है ऑप्शन थोड़ा सा चेंज मिले, एथेंस पीरियड को हम एथेनियन पीरियड भी बोल सकते हैं, हो सकता है आपको एथेंस पीरियड ना मिले ऑप्शन में आपके एग्जाम में, वहाँ एथेनियन पीरियड मिले,
एथेनियन पीरियड को जाना ही आर्ट्स लर्निंग और फिलोसफी के लिए जाता है, ठीक है। तो आर्ट लर्निंग और फिलोसफी के लिए ही एथेनियन पीरियड को जाना जाता है, इसलिए इसको गोल्डन एज भी कहा गया है एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज एसेंशियल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए किस तरह का खाना जरूरी है, रेगुलर बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। वो खाना जो भी हम खा रहे हैं वो रेगुलर हो, राइट, ऐसा ना हो कि हमने आज खा लिया कल छोड़ दिया, दोपहर में खाया रात को छोड़ दिया सुबह को छोड़ दिया, ऐसा ना हो, वो एक रेगुलर डाइट हमारी रहे, बैलेंस्ड रहे, प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी हो, प्रॉपर उसमें सारे विटामिंस हो, प्रॉपर उसमें सारे प्रोटीन्स हो, जो भी हम पूरा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि फैट बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत कम है, ठीक है, विटामिंस मिनरल्स और ये हमारे कैल्शियम हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया, ये सब बहुत कम है, फैट बहुत ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है ना, तो वो बैलेंस्ड रहना चाहिए, न्यूट्रिशियस हो कि उससे हमें न्यूट्रिशंस मिले, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये खाना हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, कैसा, रेगुलर भी होना चाहिए, बैलेंस्ड भी होना चाहिए और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाय विच मेथड डू प्लेयर्स लर्न वेल इन फिजिकल एजुकेशन, किस मेथड से प्लेयर्स बहुत अच्छे से सीख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो भी चीज़ों को सीखनी है, वॉलेंटरीली, आफ्टर कंसल्टेशन, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर स्पीच। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, आफ्टर कंसल्टेशन। तो कोई भी पर्सन जो स्पोर्ट खेलने जाने वाला है या फिर किसी स्पोर्ट के बारे में उसको सीखना है तो वो कंसल्टेशन के बाद ही सीख सकता है, वो कंसल्टेशन किसी कोच से लेगा, ठीक है, या फिर किसी प्लेयर से लेगा जो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में बहुत अच्छा कभी कर चुका है, ठीक है, तो उससे उसे वो कंसल्ट करेगा कि मैं इसमें कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, करना है तो कैसे करना है, सब चीज़ें वो पर्सन उसको सिखाएगा जो पहले से उस स्पोर्ट में इन्वॉल्व था, वो कोच भी है या फिर वो कोई स्पोर्ट प्लेयर जो उसमें पहले बहुत अच्छा कुछ कर चुका हो, राइट। तो कंसल्टेशन के बाद एक प्लेयर बहुत अच्छे से सीख सकता है किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट के बारे में या फिर जो भी एक्टिविटी फिजिकल एजुकेशन उसको करनी है उसके बारे में, राइट। आ गया हेल्थ माइंड, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी इज द सेइंग ऑफ, तो एक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी से स्टेटमेंट है, इसको हमें भी बहुत अच्छे समझना चाहिए कि जो हेल्दी माइंड है वो हेल्दी बॉडी में ही रहेगा, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तभी आपका माइंड हेल्दी रहेगा, ठीक है, अगर आप शरीर से स्वस्थ हो तो आपका दिमाग भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, जो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात बताई थी कि अगर आप मेंटली परेशान है तो वो चीज़ आपकी फिजिकल जो आपका अपियरेंस है उस पर भी वो चीज़ दिखेगी, ठीक है, फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, सोशली अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बुली कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी आपकी अफेक्ट होगी और फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी, तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है कि अगर बॉडी हेल्दी होगी तभी आपका माइंड हेल्दी रहेगा, तो ये बात किसने कही है, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एरिस्टोटल साहब ने ये बात कही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वाज द ताराचंद फिजिकल एजुकेशन कमेटी फॉर्म्ड, कब ताराचंद फिजिकल एजुकेशन कमेटी बनी थी, ईयर 1948, ईयर 1950, ईयर 1952 या फिर ईयर 1954। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ईयर 1948। तो ये कमेटी जो है हमारी रिकमेंड करती है जितनी भी डेवलपमेंट की लिए चीज़ें होंगी फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए कई सारे रिकमेंडेशंस ये ताराचंद फिजिकल एजुकेशन कमेटी रिकमेंड करती है और इसीलिए इसको बनाया भी गया था ईयर 1948 में, ठीक है, तो जितने भी डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन के अंदर होंगे वो सारे मोस्टली रिकमेंडेशन यहीं से आए होंगे, ठीक है, इस कमेटी से ही आए होंगे, ठीक है, तो इसलिए इस कमेटी को भी बनाया गया था। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग, इनमें से कौन सा मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है कोचिंग का, साइंटिफिक मेथड, कोचिंग अकॉर्डिंग टू द गेम, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फ्रॉम नोन टू अननोन। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये कोचिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है मेन वाला। अब थोड़ा समझते हैं, साइंटिफिक मेथड अगर कोचिंग में हम जा रहे हैं फिर किसी से हम कोचिंग ले रहे हैं, वो कोई भी कोचिंग हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, फिजिकल एजुकेशन में जो भी एक्टिविटीज़ है उनके बारे में सीखने से रिलेटेड हो सकती है, तो साइंटिफिक मेथड मतलब साइंटिफिकली मेथड जो भी हैं जो बने हुए हैं उनके थ्रू आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, ये मेथड है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कोचिंग का। कोचिंग अकॉर्डिंग टू द गेम, जो गेम उस पर्टिकुलर पर्सन को खेलना है उस गेम के अकॉर्डिंग ही उसको कोच किया जाए, है ना, ऐसा ना हो कि अगर वो हॉकी खेलना चाहता है तो उसको क्रिकेट या फिर फुटबॉल के एग्जांपल्स देके आप समझा रहे हो, उनके टिप्स आप दे रहे हो, तो ऐसा ना हो, अगर उसको हॉकी खेलना है तो हॉकी गेम से रिलेटेड ही उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको कोच करना है। फ्रॉम नोन टू अननोन, ये भी कोचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो पर्सन कोई बात जानता है वहाँ से आप शुरू करोगे, नोन टू अननोन का मतलब ही ये है कि जो बात
वो सामने वाले इंसान को पता है, आप वहीं से समझाना उसको शुरू करोगे और वहां से लेते हुए उसको जाओगे वहां तक जहाँ जो बातें उसको नहीं पता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फ्रॉम नोन टू अननोन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है कोचिंग का, वो हमसे पूछा गया था, वो हमने बता दिया, ऑप्शन सी, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, मुश्किल से आसान की तरफ जाना है, ये कोचिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, राइट। तो ये थे कुछ और आई के एमसीक्यूज फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के। इसी तरह से आई के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।